ये क्या सुबह सुबह कर दिया तूने? जैसलमेर एंड वी आर हियर इन डेजर्ट हार्मनी इन खुरी। हम लोग खुरी में क्यों रह रहे हैं? खुरी में हम लोग इसलिए रह रहे हैं क्योंकि 2014 में हम लोग खुरी आए थे। वहाँ पर हम लोग रुके थे, कैमल सफारी करके अंदर गए थे, वहाँ पर सनसेट देखा था, वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल सनसेट एवर। सेकेंड टाइम हम सम में रुके थे 2018 में, जब हम लोग ने दोनों CBR रेपसोल एडिशन लेके आए थे। और जब सम में हम लोग रहे थे वहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड, सम में कम से कम ना 100 प्रॉपर्टीज होंगी, 100 टेंट्स होंगे और उनके सब के सब क्लाइंट्स वो ड्यून्स में जाते हैं। एंड जब भी आप इतने लोग देखते हो ना ड्यून्स में तो ड्यून का पूरा मजा निकल जाता है। एग्जैक्टली तो कैसा है ना, वो लोगों का सबका जो एक कैमल सफारी करके एक जगह पर लेकर जाता है ना सनसेट के लिए, तो वो सब लोग का एक ही है, एक ही स्पॉट है। तो वो पूरा मतलब 100-200 रिसोर्ट के सारे पब्लिक अगर एक ही स्पॉट पे जमा होते हैं सनसेट के टाइम पे, तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ का सीन कैसे होगा। पता है खुरी में सबसे ज़्यादा फिरंगीज लोग आ रहे हैं बिकॉज दे डोंट लाइक क्राउड। पीपल हैव दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट कि जहाँ पर रश है वहाँ पर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। वन मोर थिंग, सम में हम लोग रुके थे लास्ट टाइम तो फूड वॉज रियली बैड, रियली बैड टेस्ट नहीं था, टेस्टलेस था। यहाँ पे हम लोग कल शाम से आए हैं, इतना अच्छा खाना है, इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी हो रहा है, सर्विस इज रियली गुड हियर। इट्स नॉट दैट बिकॉज वी आर स्टेइंग हियर हम लोग को ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड यू नो जब हम लोग को कुछ चीज़ जेन्युइनली अच्छी लगती है ना, वो हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं, आप एक बार डोंट स्टे इन दिस प्रॉपर्टी इफ यू वॉन्ट, स्टे इन सम अदर प्रॉपर्टी बट कम टू खुरी एंड स्टे हियर। यहाँ पर सिर्फ 20 या 30 है, ये जो है वो ट्रिबो की भी प्रॉपर्टी है। आई मीन आप ट्रिबो पे भी ये बुकिंग कर सकते हो, ये डेजर्ट हार्मनी प्लस बाजू में जो सचिन ने बताया कि इनका सिस्टर ब्रांड है वो। तो ये पूरा जगह, ये पूरा है ना, दूर दूर तक सिर्फ अपनी ही टेंट है यहाँ पर। अभी आज हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि हाउ आइसोलेटेड दिस प्लेस इज एंड हाउ गुड दिस प्लेस इज एंड हाउ पीसफुल दिस प्लेस। यस, तो ये प्लेस की यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे। अभी हम लोग का 5-6 घंटे का काम है जो हम लोग जाएंगे। हम लोग लास्ट टाइम लॉन्जेवाला गए थे, यहाँ से लॉन्जेवाला एंड वहाँ से हम लोग को तनोत जाने का टाइम नहीं था वो टाइम पे, तो ये टाइम हम लोग तनोत माता जाएंगे विच इज वेरी क्लोजर टू पाकिस्तान बॉर्डर। दैट्स राइट, लेट्स गो, लेट्स गो देन। नाक ठंडी हुई है तेरी? चल कोल्ड स्टार्ट कर। लेट्स गो। स्टैंड है हाँ इधर, आराम गिराने देना थोड़ा, प्लीज गिराने दे। बहुत महीनों से वेट लिफ्टिंग नहीं हुई ली है तेरी। फुल लॉक कर ले। ऐसा है रे, मैं बोला था तेरे को। मजाक से बोली थी इसलिए कुछ भी मजाक में बोलने का नहीं। ये क्या सुबह सुबह कर दिया तूने? स्टैंड अप, ठीक है। तू एक्चुअली वहां से गलत पूरा सैंड में ही घुसा घुसा के चला रही थी, तेरे को बोला था फुल लेफ्ट ले ले। ऐसा होता है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे जरा ज़्यादा सैंड है, ज़्यादा सैंड था गाइस, क्या करने का। थोड़ा गिराने देना। अरे नहीं ना यार, मेरा वैसा मतलब नहीं था, तेरे को छेड़ने का मतलब था। तो खुद छिड़ गई। हाँ ना, ठीक है चलो गणपति बप्पा मोरिया।
मंगलमूर्ति हो रिया आराम से गब्बर चला, अभी बहुत हो गया तेरा। इधर से आंडे हाँ चल अच्छा खासा अंदर जाता है ना वो। लेट इट फ्लो। ना तेरी जो ठंडी थी वो गर्म हो गई रहेगी ना अभी। ठंडी की बात मत कर, मेरे को ठंडी की बात करे तो मेंटली ठंडी लग जाती है। हाँ। अच्छा अभी मेरे को बता अपना सीन क्या है। अच्छा लॉन्जे वाला पहले कि टर्नआउट माता पहले? पहले लॉन्जे वाला है यार। मेरे को डायरेक्शन देना दोस्त। डायरेक्शन जैसे समझते थे वैसा अभी है। बहुत दिल पे लग गया है मेरे को। आई एम हर्ट। हाँ तो हर्ट भी। टेल सॉरी। आई सेड टेल सॉरी। हाँ नो नो सॉरी। स्टार्टिंग में एकदम तहलका वाला काम हो गया है। क्या गबर, देखो बोला था ना मैं कि ठीक से चलाओ। क्यों किया ऐसा तूने? तुझे समझना चाहिए ना। यू शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ पर सेंड है। मैं तो तेरे को कहीं पर भी लेकर चली जाऊंगी। ठीक है व्हाटएवर इट वाज। सज्जन ने मेरे को बोला था इमीडिएट लेफ्ट मार। अगर आप लोग ने सुना रहेगा उसका कॉन्वर्सेशन तो उसने क्लियरली बोला था। और मैं बोल रही थी नहीं ना, मैं मस्ती में बोल रही थी नहीं ना गिरने देना, उठाती हूँ तेरे को। सच्ची में गिर गई यार लाइफ में। इसलिए ना हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब आप नेगेटिव बोलते हो ना कि अरे यार नहीं ना मेरी बिजनेस तो नहीं चल रही है ना, अरे नहीं यार तबीयत तो बहुत ख़राब है ना, नहीं यार लाइफ में तो बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा ना, तो वो सच्ची में होने लगता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना सब अच्छा अच्छा बोलो, क्योंकि ब्रह्मांड में आपकी बातें ना गूंज रही है और वो बातों के साथ है ना वो सच हो जाती है। अगर आप अच्छा फील नहीं भी करो ना, बोल रहे हो आई फील गुड ला 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 ऐसा बोलोगे ना तो सच्ची में सब कुछ एकदम फील गुड ही होते चला जाएगा। द थिंग इज कि आई फील कि अपना जो गाड़ियाँ होती है ना वो विश्वकर्मा भगवान होते हैं, तो उनके साथ कभी भी मस्ती नहीं करना चाहिए। उनको प्यार दो, वो आपको डेफिनेटली प्यार देंगे और हमेशा ही सेफ रखेंगे। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ इसी बात पे, जल्दी बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी होगा तो मुझे चलेगा, बट मेरे को आपको एक स्टोरी बताना है। मार्गशीर्ष मंथ का फास्ट होता है ना, ये उसकी स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि एक पंडित होते हैं, वो बोट पर है ना ऐसा पोटली भरकर सोना लेकर जाते होते हैं, और सोना लेकर जाते हो फिर लक्ष्मी जी है ना इंसान का रूप लेकर आती है और बोलती है क्या इस पोटली में, तो बोलते कोयला है। तो लक्ष्मी जी को वो गुस्सा आता है कि यार सही में पैसे तो बता देता ना, मैं कौन सा इसको लूट रहा हूँ या लूट रही हूँ। तो क्या होता है जब वो बोट से उतरते हैं ना तो उसके पोटली में एक्चुअली में सब कोयला हो जाता है। फिर वो बहुत रोता है और लक्ष्मी जी को सॉरी बोलता है, तो उसका सारा जो भी पैसा कोयला होता है वो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि मुँह पे सही बोलो, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा भी नहीं चल रहा ना तो भी बोलो मस्त है सब मस्त है और सही में सब मस्त हो जाएगा। अगर आप सिर्फ सिंपैथी लेते रहोगे, रोते रहोगे ना लोगों के सामने कि यार दे दो यार, सपोर्ट कर दो यार, प्यार दे दो यार, मांगने से प्यार और सपोर्ट थोड़ी ना मिलती। आप अच्छा काम कीजिए, सपोर्ट प्यार मिल जाएगा आपको। फिलहाल जाएंगे लॉन्जे वाला, फिर पहले पेट्रोल भराएंगे। पेट्रोल भराना 60 किलोमीटर का रेंज, 60 का रेंज है। चलो हाँ, मेरा एक बात बताना था कि जो ट्रायम्फ टाइगर है ना मेरे बाइक की, उसमें कैसा है ना सचिन को परफेक्ट रेंज दिखती है। जैसे हाँ, उसमें 80 दिखेगी तो मुझे 60 का रेंज दिखता है। तो इसको बहुत जल्दी दिखा देता है। या तो दो चीजें हो सकती है, ये माइलेज कम दे रही है या फिर ये 20 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा दिखा देता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वो प्रॉपर आपको चीज दिखानी चाहिए। मुझे पता है इसमें कट टू कट प्रॉपर माइलेज या फिर जो भी स्पीडोमीटर पे जो भी इन्फॉर्मेशन है एकदम करेक्ट रहता है इसका। हां एग्रीड। अब BMW मैन अबे यार शाइनिंग मत मार, BMW जो जाजे जाजे दे इसका ये भी। हां बस गिरा तो क्रैश गार्ड में, बस हो गया बस बाय। पेट्रोल पंप मिल गया फटाफट, अभी इधर से खटाखट जाएंगे। सचिन है ना बोलेगा चल 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 चल, और ऐसा करने के बाद खुद बोलता अरे 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 ग्लव्स नहीं पहना, अरे 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 ये नहीं हुआ, अरे 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 वो नहीं हुआ, अब पीछे रह गया है। अब है ना बोलेगा एक थ्रॉटल मार के मैं जुप करके आ जाऊंगा।
सीम्स लाइक वी हैव रीच्ड श्री मातेश्वरी तन्नौट राय मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग प्रणाम करेंगे भगवान जी को, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी हैप्पीनेस और हम दोनों की सलामती मांगते हुए, बहुत ही बरकत मांगते हुए हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वी हैवेंट ओके फाइन इंडियन मेंटेलिटी, वी हैवेंट बाथड, तो हम लोग को अंदर नहीं जाने का ऐसी। तो यहीं से हाथ जोड़ेंगे, थैंक यू बोलेंगे भगवान को और निकलेंगे। ठंडा नहीं लग रहा है क्या बंदी को? ओए होए होए होए, लेट्स गो। लोग जा रहे हैं लॉन्जे वाला, जो यहाँ से 40 किलोमीटर पर है, और ये होगा एक अपना नया रूट। लॉन्जे वाला 39 किलोमीटर, सम 150 किलोमीटर। तड़प के सिद्ध से आह निकलती रही, समझो गाइस, ये मेरे को कब से करना था, ये मुझे कब से करना था, ये मुझे कब से करना था, ये मुझे कब से करना था। आई लव सैंड एंड आई लव बीचेस। बीच में रखता हूं। कैसन बा, मस्त है, कैसन बा। वी आर इन लोंगेवाला और यहाँ पे हम लोग 4 साल पहले आए थे। दैट टाइम रश बहुत कम थी और ये टाइम पे इतनी रश है। बीइंग वीकडे ऑल्सो बहुत सारी गाड़ियाँ है, बहुत सारा है, तो वो 4 साल पहले का जो फुटेज है वो हम लोग यहाँ पे फटाफट डालते हैं, सो दैट यू विल गेट आइडिया व्हाट लोंगेवाला इज ऑल अबाउट। सांप देखे क्या तू? छोटा सा था। कहाँ पे हम लोग? I'm getting a goosebumps right now because the view here is so मतलब दिल दहलाने वाली नजरिया बोलते हैं ना, वो है यहाँ पर literally पाकिस्तानीज के मतलब उनके टैंक्स है यहाँ पे, ट्रक्स है यहाँ पे। We will show you guys quickly. Wow, feeling good, है ना? Yeah. चलो थोड़ा और explore करते हैं। Guys, can you see that tank? यहाँ पे जितने भी आपको टैंक्स दिख रहे हैं वो पाकिस्तान के कॉन्कर किए हुए टैंक है, वो लोग ने अटैक किया था और वो टैंक्स वहाँ पे, वो उनका पाकिस्तान का फ्लैग भी उन्होंने लगा। सो आवर ब्रेव सोल्जर्स फॉट अ ग्रेट वॉर विद देम एट लोंगेवाला एंड प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस, लवली फीलिंग। और लोंगेवाला टू टनोट या टनोट से लोंगेवाला वाला राइड ज़रूर करना हम लोग यहाँ से जैसलमेर, मतलब लोंगेवाला से जैसलमेर का राइड हम लोग ने 4 साल पहले किया था। दिस टाइम वी डिड दिस कंप्लीट सर्किट, तो बहुत गूजबम्प वाला, आप लोग ने ड्रोन शॉट्स वगैरह तो देख लिए होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रोड्स एंड यहाँ पे ये पैच में जो है ना 40 किलोमीटर में बहुत अच्छे सैंड ड्यून्स दिखेंगे और बहुत अच्छा सीनिक रूट है ये। डू नॉट मिस दिस, वंस इन अ लाइफ टाइम आप ये रोड पर राइड करना ज़रूर। अभी वंदे मातरम, जैसलमेर 108। सो गाइस ऐसे ही ना पीछे एक टर्न आया था और वो टर्न में मैं थोड़ा सा मतलब अपने थॉट्स में था, किरण के साथ बात कर रहा था और मैं ऐसे होते होते ना
मैं ऐसे टर्न की तरफ चला गया और फिर मैं थोड़ा डरा और इसको बोलते टारगेट फिक्सेशन। और उसके बाद में वो टर्न होने के बाद मैं जैसे डर रहा था, मैं सोचा नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है बीच वाली लाइन, तो इसको टारगेट फिक्सेशन बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने बीच वाली लाइन पे देखना चालू किया, मेरी मोटरसाइकिल ऑटोमेटिक वो साइड में आ गई। तो मुझे लगता है लाइफ में भी ऐसे होना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको जाना है ना वहाँ पे देखते जाइए और उसके डायरेक्शन में आप फोकस करिए, वहाँ पे आप जाते जा सकते हैं। जैसे आज हम लोग ने इतनी सारी चीज़ें प्लान की थी, सुबह थोड़ा टेंशन हो रहा था कि होगा नहीं होगा क्या हो गया किरण खुश हो गई तो हाँ होगा नहीं होगा ऐसे लग रहा था, बट वी डिड इट। ड्रोन शॉट्स हो गए, फुटेज वुटेज हम लोग को बहुत अच्छे मिले आज। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, लिव फॉर द सिंगल डे, जो दिन आपका है वो दिन एकदम उसको बड़ा बनाइए। इसको हम पवन चक्की नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको पवन शक्ति बोलेंगे, क्योंकि किरण इसको पवन शक्ति बोलती है। चारों तरफ सिर्फ पवन शक्ति ही पवन शक्ति है। वाओ, किरण ने बहुत दिनों के बाद लेफ्ट बोला, लेफ्ट ही लिया। व्हाट एन अचीवमेंट। ज़्यादा राइड करेंगे तो लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्या बोलती है, हो जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं, नहीं ये बहुत ज्यादा सैंड है। नहीं अरे मेरा भी हिल रहा है काफी, सैंड बहुत ज्यादा थी सुबह जब भी हम लोग इधर से गए थे तो सैंड कम थी, ये अभी गाड़ियां जा के सैंड बहुत हो गए हैं। इधर सैंड है, गिरना नहीं है आज, शुरुआत गिरने से हुई थी, खत्म अच्छे से करेंगे। इधर ही लगा, ज्यादा अंदर मत लगा। सो बाइकर टर्न्ड नॉर्मल टूरिस्ट, चलो लेट्स गो, लेट हो गया, लेट हो गया है, कैमल सफारी है, सनसेट देख के आ जाएंगे। इसको जब ही ऊंट उठ जाता है ना मजे आ रहे हैं। अभी हम लोग बहुत लंबा सफर है भैया, कितना टाइम लगेगा अपने को पहुंचने को? आधा घंटा। हे व्लॉग, वेलकम टू माय गाइस, दोनों दुल्हन जा रही है। मंडळी कसं काय मंडळी बाळ बाळ हो गया, कळड कळल कळड कळल कळल कळल, राजस्थान में आकर ऐसा सब बात सब नहीं होगा। वाओ फील्स गुड, मस्त सनसेट हो रहा है अभी, इसके बाद में बैठेंगे आराम से शांति से। कितनी देर से देख ही रहे थे ऑरेंज ऑरेंज, और अब भी एकदम बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। खुरी इज ऑलवेज इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यस खुरी इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। सम में मुझे लास्ट टाइम इतना मजा नहीं आया था, हाउएवर खुरी में भी अभी लोग बढ़ने चालू हो गए। अरे ट्रैवलिंग इतनी बढ़ रही है, हम लोग लास्ट टाइम लॉन्जे वाला गए थे, हार्डली को एक गाड़ी गुजर रही थी, हम लोग को एक फोटो जो खींचना था वो नहीं हो पाया। ट्रैवलिंग करना चाहिए, बढ़ रहा है ट्रैवलिंग लोगों के बीच, लोग तो अच्छी बात है। देख के हमारा देख के अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात। एंड आई थिंक कि ये ना कोविड ने बहुत चेंज कर दिया, वन लाइफ वाला जो लाइन वो एक्चुअली में तो सही है। नाइस, चलो उठा के लेकर जा, बहुत चेप हो रहे तू, लेकर रोमांटिक रोमांटिक बहुत वजन है, इतना वजन नहीं है। व्हेन यू मैरी योर बेस्ट फ्रेंड, ये ऐसा होता है पता है, रियल वर्सेस रियल वाली होती है। 2000 किलोमीटर चला के हो गया गाइस, और चार दिन में 2000 लेके चल, नहीं ये नहीं कमर का कमरा हो गया है। अच्छा है, मेरा सिर्फ 60 केजीस है, 360 केजीस बोली तो। सो इसी मस्ती के साथ गाइस, आप भी हमेशा ऐसे मस्ती करते रहिए, हमेशा हमेशा इतना ही खुश खुश रहिए लाइफ में। और इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप रोमिंग, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। जब ये पहन रहे हो तब जरूरत नहीं है, बट जब बाइक चला रहे हो तब है जरूरत। मस्त लग रहा है सैंड में, वन लाइफ सैंड ऑफ टाइम।
ये रुक नहीं उसमें मिररलेस है।